हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल जिसकी पीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, अगर आप वैलेंटाइन्स रेड लेबल जेएनबी रेयर और उसके बाद और भी ऐसी ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज को पी के बोर हो गए हो, तो आपके लिए मैं एक ब्रांड न्यू ब्लेंडेड स्कॉच विस्की लेके आया हूं, टेमरलेन। जी हाँ, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से मेरा यही मोटिव रह रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स, ज्यादा से ज्यादा नए ब्रांड्स इस चैनल पे लेके आया हूं, ताकि आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिले। तो भाई एनी हाउ, मैंने मैनेज किया है इस ब्लेंडेड स्कॉच विस्की को इस चैनल पे लाने के लिए। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, क्योंकि काफी मुश्किल से मैं ढूंढता हूं ऐसे प्रोडक्ट्स को और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को मैं नई नई इंफॉर्मेशन दूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों फर्स्ट लुक में बॉक्स देखने में काफी ज्यादा सुंदर है, कॉफी कलर के बॉक्स में आती है, काफी डार्क ब्राउन है ये, और इसके ऊपर यहाँ पे टेमरलेन एम्बोस किया गया है, जो की एक अच्छी फील देता है, क्योंकि ऐसे आप रब करोगे ना, इसे हैंड लगाओगे तो आपको एक काफी बढ़िया फील आएगी। उसके साथ ये जो गोल्डन का इन्होंने हाइलाइट्स दिए हैं, ये इसको एक प्रीमियम लुक देते हैं। अब बात आती है ये किस रेंज में आती है, किसको ये कंपीट करेगी, कहां कहां पे ये मिल जाएगी, और आपको क्या ये लेनी चाहिए या नहीं, इनके मैं आंसर आपको अभी देता हूं। तो दोस्तों ये कंपीट करेगी मार्केट में वैलेंटाइन्स को, रेड लेबल को, उसके बाद जेएनबी रेयर को, फेमस ग्राउस को, जितनी भी एंट्री लेवल वाली ब्लेंडेड स्कॉच विस्की आती है ना, ये उनको कंपीट करेगी, क्योंकि ये भी एक एंट्री लेवल वाली ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, विदाउट एज स्टेटमेंट आती है। तो एज पर लो हम मान के चलेंगे कि ये मिनिमम 3 साल तक एज करवाया गया होगा। दूसरी मेन बात ये बताना चाहता हूं, जैसे कि रेड लेबल वैलेंटाइन्स को बॉटल किया जाता है स्कॉटलैंड में, उसके बाद इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, सेम इसको भी बॉटल किया जाता है स्कॉटलैंड में, उसके बाद ये इंडिया में सेल के लिए आती है। जैसे कि ब्लैक डॉग होगी, 100 पाइपर्स होगी, ब्लैक एंड व्हाइट होगी, इन सब की बॉटलिंग होती है इंडिया में, तो टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन इसकी बॉटलिंग स्कॉटलैंड में हुई है, डायरेक्ट वहीं से इंपोर्ट की जाती है। ये चीज मुझे अच्छी लगी। अब बात आती है ये कितने एमएल की बॉटल है, कितने की है, और एल्कोहल स्ट्रेंथ कितनी है। ये 750 एमएल की बॉटल है। चलिए बॉटल भी मैं बाहर निकालता हूं, इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉटल मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी, इनफैक्ट वैलेंटाइन्स और रेड लेबल से ज्यादा अपीलिंग मुझे इसकी बॉटल लगी, तो चलिए आपको भी दिखा देते हैं। तो ये है बॉटल टेमरलेन ब्लेंडेड स्कॉच विस्की की। सामने एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का ये जो लेबल है ना, ये बहुत प्रीमियम लगता है देखने में। शायद आपको कैमरे में पता लग रहा होगा या नहीं, लेकिन अगर आप इसको पकड़ोगे, फील करोगे, आपको एक प्रीमियम फील आएगी कि हाँ, मैंने कोई अच्छी स्कॉच विस्की पकड़ी है। 750 ml की बॉटल है और इसमें हमें जो एल्कोहल से मिलती है, ये आई थिंक 40% है, चेक कर लेता हूं। जी हाँ, 40% इसमें एल्कोहल स्ट्रेंथ है। आर्टिफिशियल कलरिंग डाली गई है, जो कि नॉर्मली सब में की जाती है। प्राइस की बात कर ली जाए, अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। ये आपको नॉर्मली 1200-1300 रुपए की चंडीगढ़ में मिल जाएगी, गुड़गांव में भी ये 1100-1200 की मिल जाएगी, और नॉर्मल स्टोर्स में आपको जैसे कि दिल्ली हो गया या फिर दूसरी स्टेट्स में ये 1700-1800 रेंज में मिल जाएगी। तो भाई सेम वैलेंटाइन्स रेड लेवल की रेंज में है ये। और एक चीज बताऊं, आजकल मुझे वैलेंटाइन्स का, रेड लेवल का वो टेस्ट नहीं मिल रहा जो आज से 5-6 साल पहले मिलता था। कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी अब थोड़ी सी डाउन आनी स्टार्ट हो गई है। आपको ऐसा लगता है तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हो। मुझे लगता है अब उसकी फेक बॉटल्स बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमें स्विच करना चाहिए कोई नए ब्रांड्स के ऊपर जिसकी कॉपी अभी तक मार्केट में ना आई हो। तो भाई बातें बहुत होगी, चलिए इसको ओपन करते हैं और टेस्ट करते हैं। वाओ, एक चीज मैं देख रहा हूं, इसके ऊपर ये सिक्योरिटी नोजल दी गई है। जी हाँ, स्टॉपर दिया हुआ है, वाला कैप, तो अच्छी बात है, ताकि दोबारा से इसको फिल ना किया जा सके। दोस्तों कलर देखने में इसका डीप गोल्डन कलर है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। चलिए इसकी लेग्स देख लेते हैं और इसको नोज एंड टेस्ट करके देखते हैं। इसकी जो लेग्स हैं ये मीडियम बन रही हैं। जी हाँ, मीडियम से थोड़ी सी थिन लेग्स बन रही हैं, काफी इजीली ये नीचे आ रही हैं। तो चलिए करते हैं इसको टेस्ट। सॉरी नोज, चीयर्स। डेफिनेटली फ्रूट्स का काफी अच्छा अरोमा है,
एक हनी का अरोमा इसमें से आ रहा है, अल्कोहल का भपका बिल्कुल भी नहीं है यार। नोज करके मैं कह सकता हूं, मुझे थोड़े दिन पहले ही मैंने वैलेंटाइन पी है, उसमें ना हल्की सी अब स्पिरिट का अरोमा आना स्टार्ट हो गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं है। हल्का हल्का वुडी अरोमा इसमें से आ रहा है। तो चलिए करते हैं इसको टेस्ट। चीयर्स। काफी बड़ा और काफी तगड़ा सिप मैंने इसका लिया है, लेकिन भाई कैरमल का, बटर टॉफी का टेस्ट बहुत अच्छा है, और जैसे ही आप गल्प कर लोगे हल्के हल्के स्पाइसेस आपको मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। स्मोकीनेस वगैरह मुझे इसमें नहीं मिल रही, टॉफी का टेस्ट बहुत ज्यादा एविडेंट है और काफी अच्छा लग रहा है, और इसमें हल्का सा हनी का टेस्ट अब आना स्टार्ट हो गया है, शहद का, जो कि टंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। चलिए इसमें हल्का सा पानी डालते हैं, हल्का सा इसको डाइल्यूट करते हैं। दोस्तों जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर मैंने इसमें ऐड किया है, तो अब देखते हैं कि पानी के साथ ये कैसा बिहेव करती है। चीयर्स। पानी डालने के बाद ना हल्की सी पीटीनेस मुझे मिल रही है, लेकिन वो टेस्ट में मुझे नहीं मिल रही थी। चलिए करते हैं एक बार फिर से टेस्ट। चीयर्स। वेरी स्मूथ। पानी डालने के बाद भाई बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है, वो ग्रेन विस्की का भी टेस्ट अब बिल्कुल वैनिश हो गया है, मॉल्टीनेस इसमें से आ रही है, बटर टॉफी का टेस्ट आ रहा है, हल्का हल्का सा सॉल्टी फ्लेवर भी मुझे इसमें से आ रहा है। भाई डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग है। 1200 रुपीस में यार वैलेंटाइन्स, अब रेड लेबल का जमाना चला गया। ये नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, अच्छी है, लेकिन अब उनमें वो मजा नहीं रहा जो आज से 4-5-6 साल पहले मिलता था, वो टेस्ट अब मुझे इन तो नहीं मिलता, आपको मिलता होगा शायद, लेकिन वो क्वालिटी, वो टेस्ट अब कहीं ना कहीं मिसिंग है, लेकिन ये उस चीज को, उस गैप को पूरा कर रही है, उस रेंज में आई है, तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी लगेगी। अगर किसी ने ट्राई किया है वो प्लीज नीचे कमेंट करके बता सकता है कि आपको पीने में कैसी लगी। मेरे तरफ से ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।